हाय एवरीवन, तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग को माइनिंग की सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लोग कोर्स को परचेस करिए और अपने एक्यूरेसी को और भी बढ़ाइए, ठीक है। और आज का जो हमारा क्लास है ये गैस मास्क और सेल्फ रेस्क्यूअर पे बेस्ड हम एमसीक्यू करा रहे हैं आप लोग को। इससे पहले का जो क्लास था वो सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस उसके बारे में एमसीक्यू था, ठीक है। तो जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं उसको देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट केमिकल इज यूज एज कैटलिस्ट इन गैस मास्क एंड सेल्फ रेस्क्यूअर टू कन्वर्ट CO2, ठीक है, मतलब CO को CO2 में चेंज करता है। तो गैस मास्क में या और सेल्फ रेस्क्यूअर में कौन से कैटलिस्ट केमिकल का उपयोग किया जाता है जो कि CO को यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, होप्कालाइट और सिलिका जेल, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल। देखो पहले ये समझ लो कि गैस मास्क और सेल्फ रेस्क्यूअर होता क्या है। ये दोनों क्या है, एक एस्केप ऑपरेटस है, यानी कि अगर कुछ माइंस में आग लग जाती है, ठीक है, एक्सप्लोजन हो जाता है, तो उस केस में जो वर्कर हैं वो लगा करके इसको भागना है, कुल मिला करके माइंस में माइंस को छोड़ना है इसको लगा करके, और जहाँ पे फ्रेश एयर रहे वहाँ पे पहुँचना है। तो इसका यूज इसलिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा राइट आंसर, होप्कालाइट। तो गैस मास्क और सेल्फ रेस्क्यूअर में क्या होता है, होप्कालाइट होता है, और ये मिक्सर होता है, किसका मिक्सर होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड का, जो कि क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि नॉन टॉक्सिक गैस में उसको चेंज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप मोस्ट लेयर इन द गैस मास्क फिल्टर। तो गैस मास्क फिल्टर में टॉप मोस्ट लेयर निम्नलिखित फॉलोइंग में से कौन सा है, ऑप्शन है होप्कालाइट, एक्टिवेटेड चारकोल, इनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और ऑप्शन नंबर डी है सिलिका जेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। और क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, जो कि हवा को सुखाता है, वाटर वेपर को क्या करता है, ये रिमूव करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ CO इन द एयर कैन गैस मास्क सेफ्टी हैंडल, यानी कितना जो गैस मास्क है कितने परसेंट CO पर वो क्या करता है, हैंडल कर सकता है, 1%, 2%, 3% और 5%। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2%। अगर हमारा क्या रहता है, 2% CO रहता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, तो ऐसी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, गैस मास्क लगा करके भाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा उसमें होप्कालाइट लगाया हुआ है 2% में अच्छा वर्क करता है, जो कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर। तो सेल्फ रेस्क्यूअर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, ऑप्शन है टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द वीरर, यानी कि जो उसको यूज किया है, तो उसको पहना है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना। देखो ये तो नहीं होगा, जो सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग ऑपरेटर्स होता है वो क्या करता है, उसमें सिलेंडर होता है तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है वो, लेकिन जो सेल्फ रेस्क्यूअर है और गैस मास्क है ये दोनों क्या होते हैं, बाहर के ही एटमोसफियर पर डिपेंड होना पड़ता है, यानी कि वहाँ बाहर के ही एटमोसफियर का ऑक्सीजन ही हम लोग इनहेल करते हैं, जो हवा होता है उसको इनहेल करते हैं, ठीक। बस इसमें एक खास बात क्या है, सेल्फ रेस्क्यूअर और गैस मास्क में जो टॉक्सिक गैस है उसको नॉन टॉक्सिक गैस में क्या करता है, वो चेंज कर देता है, इसलिए आदमी को दिक्कत नहीं होती है, लगा करके वो भाग सकता है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है टू कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी नंबर है टू प्रोवाइड कंप्रेस्ड एयर, और ऑप्शन नंबर डी है टू फिल्टर आउट मीथेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, विच सब्सटेंस इन अ गैस मास्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वाटर वेपर। तो गैस मास्क में कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है वाटर जो वेपर है उसको रिमूव करने के लिए, ऑप्शन है एक्टिवेटेड चारकोल, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, और ऑप्शन नंबर डी है कॉटन वूड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर कैल्शियम क्लोराइड, यही होता है आपका इनहाइड्रस, जो बताए तो टॉप मोस्ट हमारा लेयर होता है कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या करता है, हवा को सुखाता है और जो वाटर वेपर है उसको रिमूव करता है।
क्वेश्चन नंबर छठ में है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ फ्लेम सेफ्टी लैम्प इन कंजक्शन विथ गैस मास्क इन माइंस। अगर देखो माइंस में जो गैस मास्क यूज करते हैं तो एक सेफ्टी लैम्प का भी वो है कि सेफ्टी लैम्प उसका यूज किया जाएगा, तो इसका क्या काम है, क्या पर्पज है इसका? तो ऑप्शन है टू डिटेक्ट CO लेवल, CO लेवल को डिटेक्ट नहीं करता है आपको पता होगा फ्लेम सेफ्टी लैम्प। ऑप्शन नंबर बी है टू डिटेक्ट ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑक्सीजन डिफिशियंसी को क्या करता है, बताता है, ठीक है, परसेंटेज से नहीं बताएगा लेकिन अनुमानित लग जाता है कि ऑक्सीजन की कमी है। टू मॉनिटर द एयर प्रेशर, और ऑप्शन नंबर डी है टू प्रोवाइड इल्यूमिनेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। ऑक्सीजन डिफिशियंसी को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर सातवां है, व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ अ सील्ड गैस मास्क कनिस्टर। जो हमारा क्या है सील, मतलब वो खोला नहीं गया है, सील है अभी, गैस मास्क है, तो उसका सेल्फ लाइफ कितना होता है, 1 ईयर, 2 से 4 साल, 5 साल और 6 मंथ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर, 2 से 4 साल। अगर उसको हम लोग सील को ओपन नहीं किए हैं, हमारा सील्ड गैस मास्क है, तो वो 2 से 4 साल तक उसका क्या है सेल्फ लाइफ रहता है। क्वेश्चन नंबर आठवां है, आफ्टर हाउ लॉन्ग शुड अ गैस मास्क कनिस्टर बी डिस्कार्डेड वंस इट सील इज ब्रोकन। अगर हमारा क्या है गैस मास्क का ही सील अगर ब्रोकन है तो कितने साल तक उसका हम उसको डिस्कार्डेड मतलब कर देंगे, तो 1 साल अगर हो जाता है तो वो हो जाता है आपका डिस्कार्डेड, यानी कि उसको फेंक दिया जाएगा, उसका यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर हमारा सील ब्रोकन है, यूज़ किए हैं उसको, तो 1 साल तक उसका रहता है कि 1 साल तक हुए वो ख़राब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौवां है, व्हाट हैपेंड टू हुपका लाइट व्हेन इट इज एक्सपोज टू मॉइस्चर। तो हुपका लाइट अगर क्या मॉइस्चर से हमारा एक्सपोज होता है तो क्या होगा? देखो ये क्या होता है, इस प्रकार से डब्बा टाइप रहता है आपका गैस मास्क, इसमें लेयर रहते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और बीच में क्या रहता है आपका हुपका लाइट रहता है, ठीक है। तो ये जो लेयर होती है क्या करते हैं, हवा को छानने का काम करते हैं, तो जो हवा यहाँ से एंटर करता है पहले तो जो उसमें कड़ है वो छन गए, फिर उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, मॉइस्चर जो होता है कुछ गैसेस होती हैं उसमें वो रिमूव किया जाता है, लास्ट में क्या पहुँचता है यहाँ पे हुपका लाइट के पास। तो ऐसा है कि हुपका लाइट के पास पहुँचना मतलब एयर पूरी तरह से ड्राई होना और जो मॉइस्चर है वो भी, ठीक है, पूरी तरह से मतलब ऑब्जर्व हो जाए इधर जो लगा हुआ है लेयर। अगर हमारा क्या होता है ऐसे केस में हमारा हुपका लाइट अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है, लेकिन अगर वो क्या होता है मॉइस्चर वाला हवा है तो हुपका लाइट क्या होगा इनफेक्टिव हो जाएगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे CO यहाँ से गया तो CO ये काम नहीं करेगा हुपका लाइट, तो CO ही आदमी क्या करेगा इनहेल कर लेगा और आदमी की डेथ हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इट अंडरगोज हाइड्रेशन एंड बिकम इनफेक्टिव। मतलब वो क्या होगा, अगर मॉइस्चर वाला हवा है तो जो हमारा हुपका लाइट है वो क्या करेगा इनफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हुपका लाइट के लिए हमारा क्या चाहिए, ड्राई एयर चाहिए, मॉइस्चर फ्री एयर चाहिए, ठीक है। अगर हमारा मॉइस्चर वाला एयर है तो ये क्या करेगा, देखो हुपका लाइट क्या होता है दाना दाना टाइप रहता है इस प्रकार से, ये क्या करेगा अगर मॉइस्चर वाला इसको हवा मिला तो ये पाउडरी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, जो कि इनइफेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दसवां है, विच मटेरियल इज द गैस मास्क रिमूव ऑर्गेनिक वेपर एंड एसिडिक गैसेस। तो गैस मास्क में जो हमारा ऑर्गेनिक वेपर है एसिडिक गैसेस है उसको रिमूव करने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है, हुपका लाइट हो गया, सिलिका जेल हो गया, एक्टिवेटेड चारकोल, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का हम बता चुके हैं आपको क्या करता है, हवा को सुखाता है और वाटर वेपर को रिमूव करता है। जो एक्टिवेटेड चारकोल है ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल ये क्या करता है जो भी ऑर्गेनिक वेपर है एसिडिक गैसेस है उसको क्या करता है ये रिमूव करता है। और एक बात आप लोग सुन लीजिए कि जो लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ चुके हैं उनके लिए MCQ अच्छे से समझ आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए यह है कि पढ़ लीजिए आप लोग और MCQ वीडियो को भी देखिए, ये आपको EMT वैल्यूम 2 में आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए फिर हमारा वीडियो देखिए तो आपको एक अच्छे से समझ आ जाएगा, जो चीज़ आपको पढ़ते समय छूट रहा है आपके MCQ से उसका कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन गैस मास्क शुड नॉट बी यूज इन एटमोसफियर विथ मोर देन 2% CO। अगर हमारा एटमोसफियर में क्या है मोर देन 2% हमारा क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, तो उस समय
गैस मास्क का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, मेन रीज़न क्या है उसका। ऑप्शन है द फिल्टर बिकम इनफेक्टिव, मतलब फिल्टर जो है इनफेक्टिव हो जाता है। द एटमोसफेयर मे नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन टू सपोर्ट लाइफ। ऑप्शन नंबर सी है द कनिस्टर विल ओवर हीट। ऑप्शन नंबर डी है द मास्क बिकम टू हैवी टू वियर। इसका राइट आंसर देखो ये होगा बी नंबर। अब अगर क्या होता है हमारा 2% से अधिक क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, तो ऐसे में चांसेस क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा। हमको क्या है ऑक्सीजन अच्छा चाहिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि 2% से अगर अधिक रहता है हमारा CO, तो उस समय हमारा मतलब ये होता है गैस मास्क का यूज़ नहीं किया जाता, यही इसका मेन रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंपोनेंट कूल्स द इनहेल एयर इन द IW65 सेल्फ रेस्क्यूअर। देखो एक मॉडल है IW65 सेल्फ रेस्क्यूअर, ठीक ना, तो ये मतलब यह है कि इनहेल एयर को कैसे वो कूल करता है, ऐसा क्या सिस्टम रहता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर। जो ये मॉडल है इसमें क्या होता है हीट एक्सचेंजर लगा होता है जो कि इनहेल एयर को कूल कर देता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस डज हुक्का लाइट कन्वर्ट इनटू नॉन टॉक्सिक गैस। तो कौन से गैस को कन्वर्ट करके नॉन टॉक्सिक गैस में बदल देता है हुक्का लाइट, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है ये चेंज करके CO2 में चेंज करता है, ठीक है, और CO2 क्या होता है नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द वेट ऑफ द सेल्फ रेस्क्यूअर मॉडल IW65। इसका वेट कितना होता है जो IW है 65 सेल्फ रेस्क्यूअर, तो 1 kg का रहता है। देखो यही अंतर है इसमें, जो हमारा गैस मास्क है वो 4 kg रहता है, ठीक है, थोड़ा वियर करने में इसको प्रॉब्लम होता है, वजन होता है इसका, लेकिन जो सेल्फ रेस्क्यूअर है ये क्या होता है 1 kg का रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग कैन द सेल्फ रेस्क्यूअर प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन एन एटमोसफियर विथ 1% CO। अगर एटमोसफियर में हमारा क्या है 1% CO है, तो उस समय कितना समय तक वो प्रोटेक्शन दे सकता है सेल्फ रेस्क्यूअर हमारा, तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 घंटे तक क्या कर सकता है वो प्रोटेक्शन दे सकता है 1% अगर हमारा CO रहता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन एट द फर्स्ट साइन ऑफ फायर और एक्सप्लोजन इन अ माइंस। तो अगर माइंस में हमारा फायर या एक्सप्लोजन का फर्स्ट साइन देखने को मिलता है, तो सबसे पहले मतलब क्या किया जाएगा। ऑप्शन है वेट फॉर इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन का वेट किया जाएगा जो अपने ऊपर के अधिकारी हैं। ऑप्शन नंबर बी है इमीडिएट यूज अ सेल्फ रेस्क्यूअर। ऑप्शन नंबर सी है रन टू द नियरेस्ट एग्जिट जो होता है, और ऑप्शन नंबर डी है वेट अंटिल स्मोक इज विजिबल, मतलब बोल रहा है कि वेट करना है जब तक स्मोक हमारा विजिबल ना हो जाए, और तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इमीडिएट यूज द सेल्फ रेस्क्यूअर। हमको किसी भी इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है, और भाग करके तुरंत मतलब नियरेस्ट जो एग्जिट है वहाँ तो जाना ही जाना है, लेकिन सेल्फ रेस्क्यूअर को यूज करके, ठीक है, और स्मोक का वेट नहीं करना है, क्योंकि स्मोक देखो स्मोक का वेट करेंगे हो सकता है CO पूरे माइंस से फैल चुका है जिस एरिया में हो, तो आपका जान भी जा सकता है। जब भी कोई फर्स्ट साइन मिले, ठीक है, अचानक से डस्ट का उड़ना और एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाना, तो ऐसे कुछ साइन मिले वो क्या होता है आपका फायर या एक्सप्लोजन का साइन होता है, तो तुरंत क्या करना है इमीडिएट सेल्फ रेस्क्यूअर का यूज़ करना है, और तुरंत नियरेस्ट एग्जिट में जहाँ पे आपका फ्रेश एयर है वहाँ पे भाग जाना है। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ यू ट्राई टू स्पीक विल वियरिंग अ सेल्फ रेस्क्यूअर इन एंड इरेस्पायरेबल जोन। तो क्या होगा जब सेल्फ रेस्क्यूअर हम वियर करके इरेस्पायरेबल एटमोसफियर में इरेस्पायरेबल जोन में बात करने की कोशिश करें, तो मतलब ऐसा जोन है जहाँ पे हम सांस नहीं ले सकते हैं, वो एटमोसफियर सही नहीं है, ठीक है, सेल्फ रेस्क्यूअर का यूज़ किया है, तो अगर स्पीक करेंगे यानी बात करेंगे किसी से तो क्या हो सकता है। ऑप्शन है सी यू इनहेल द मास्क ब्रेक्स द हीट इनसाइड इंक्रीज ऑक्सीजन इज लॉस। देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी यू क्या होगा इनहेल हो जाएगा, ठीक है, नोज पे हमारा क्या होता है नोज क्लिप लगा होता है, मेन हमको सांस कहाँ से लेना है मुंह से सांस लेना है,
तो अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो हमारा CO इनहेल हो सकता है, ठीक है, जिससे हम मर सकते हैं। तो ऐसे केस में सेल्फ रेस्क्यू का यूज़ करके हम बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, संकेत से बात कर सकते हैं, ठीक है, बाकी जो कोड होता है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल्फ रेस्क्यूअर मॉडल IW65 रिमूव मॉइस्चर। तो IW65 सेल्फ रेस्क्यूअर जो है मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए कौन से पार्ट होता है, एक्टिवेटेड चारकोल, हीट एक्सचेंजर होता है और ड्राइंग एजेंट और एक्सपिरेटरी वॉल्व। तो मॉइस्चर को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए होता है ड्राइंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द गैस मास्क फिल्टर लेयर। तो गैस मास्क का फिल्टर लेयर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, होपका लाइट है, आपको पता ही है, और कास्टिक सोडा हो गया, ये भी रहता है, सिलिका जेल ये भी रहता है, सोडियम नाइट्रेट ये नहीं रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग कैन गैस मास्क बी यूज टॉक्सिक एटमोसफेयर। तो टॉक्सिक एटमोसफेयर में गैस मास्क का उपयोग कितने समय तक किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1 से 2 घंटा तक, ठीक है, 1 से 2 घंटा तक हम यूज कर सकते हैं जहां पे क्या है हमारा टॉक्सिक एटमोसफेयर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेट ऑफ अ फायर इन द माइन। निम्नलिखित में से कौन सा माइंस में आग लगने का संकेत है, ऑप्शन है इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल। अगर माइंस में आग लगता है तो उसमें ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी है हेड एच एंड गाइडनेस, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राइटनिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी हो गया सडन कूलिंग ऑफ द एयर। तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर, यानी कि क्या होता है सिर दर्द और चक्कर आने लगता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट एट द फ्रेश एयर बेस व्हेन यूजिंग एयर प्रेशर होज अपरेटस। यानी कि एयर प्रेशर होज अपरेटस का उपयोग करते समय फ्रेश एयर बेस में, ठीक है, क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, ऑप्शन है फायर एक्सटिंग्यूशर, गैस जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी है फ्लेम सेफ्टी लैंप एंड कैनरी, ऑप्शन नंबर डी है स्मोक डिटेक्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लेम सेफ्टी लैंप एंड कैनरी। मतलब जब हम एयर प्रेशर होज अपरेटस का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारा फ्रेश एयर बेस है जहाँ से हम क्या कर रहे हैं एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्लेम सेफ्टी लैंप जलता हुआ रखा जाता है और जो कैनरी होता है ना चिड़िया उसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच अपरेटस प्रोवाइड एयर फ्रॉम हैंड ड्राइव बिलो। यानी कि कौन से ऑपरेटर का यूज़ करते हैं उस केस में हम हैंड ड्राइव जो धोखनी होती है ना हवा भेजते हैं फ्रेश एयर बेस से उसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन है सेल्फ रेस्क्यूअर, स्मोक हेलमेट, गैस मास्क और ऑप्शन नंबर डी है ड्रेगर सेल्फ रेस्क्यूअर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन से ऑपरेटर्स का यूज़ करते समय हमको हैंड ड्राइव जो धोखनी होती है उससे एयर को भेजा जाता है फ्रेश एयर बेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द ड्रेगर 810 सेल्फ स्क्वायर वैक्यूम सील डिज़ाइन। जो ड्रेगर 810 सेल्फ स्क्वायर होता है ये क्या होता है वैक्यूम सील डिज़ाइन का होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन है रिड्यूस वेट, ऑप्शन नंबर बी है मेक इट्स इम्प्रूवियस टू वाटर वेपर, ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज एयर फ्लो, ऑप्शन नंबर डी है डिक्रीज हीट ऑफ एक्सहेल्ड एयर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर, ठीक है, मेक इट्स इम्प्रूवियस टू वाटर वेपर, यानी कि इसमें वाटर वेपर के प्रति इम्प्रूवियस बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ नोज क्लिप इन अ सेल्फ स्क्यूअर। तो सेल्फ स्क्यूअर में नोज क्लिप का क्या इम्पॉर्टेंस है, टू इंश्योर इन एक्सेलेशन इज इजी, टू प्रिवेंट ब्रीदिंग थ्रू द नॉइज, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, प्रिवेंट क्या करता है कि हम नाक से सांस न ले सके, ठीक है, टू अलाउ इनहेलेशन ऑफ CO2, टू अवॉइड इनहेलेशन मॉइस्चर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, क्या प्रिवेंट करता है कि हम सांस नाक से ना ले सकें, तो नोज क्लिप आता है नाक में लगा देते हैं और सांस कहाँ से लेते हैं मुंह से लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द आइडियल मटेरियल फॉर रिमूविंग सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन इन अ गैस मास्क। तो गैस मास्क में सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए कौन से आइडियल मटेरियल का यूज़ किया जाता है? सिलिका जेल हो गया, कास्टिक सोडा आयन, प्यूमिक एक्टिवेटेड चारकोल, कॉटन बूट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, कास्टिक सोडा एंड प्यूमिक। तो आप लोग इसको पढ़िए EMT वॉल्यूम 2 में, आपको सब समझ आ जाएगा। जो लोग एक बार भी नहीं पढ़े हैं और डायरेक्ट देख रहे हैं MCQ, तो शायद हो सकते हैं आप लोग को समझ ना आए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड द वीरर ऑफ सेल्फ स्क्योर अवॉइड डूइंग इन एन इरेस्पायरेबल जोन। तो सेल्फ स्क्योर पहनने वाला व्यक्ति इरेस्पायरेबल जोन में क्या करने से बचना चाहिए उसको, ठीक है? रन, स्टॉप ब्रीदिंग, स्पीक और इनहेल डीपली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, स्पीक, सी नंबर, ठीक है, वो बात करने से बचना चाहिए। नहीं तो क्या करेगा वो, अगर बात करेगा तो वो इनहेल कर सकता है CO को, ठीक है, तो बात करने से बचना चाहिए। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, और आप लोग हमारे चैनल जो माइनिंग प्लस है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता करना है, क्या कैसे है, कौन पढ़ा रहे हैं, क्या डिस्काउंट है अभी कोर्स को लेकर के, तो आप लोग संगम से बात कर सकते हैं, ठीक है। इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इनसे बात करिए, ठीक।